अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं चिकन तंगड़ी कबाब। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg हमने चिकन ड्रमस्टिक्स लिया है, 2 tablespoon दही लेंगे, 1.5 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी लेंगे 1 TSP, 1 TSP रेड चिली पाउडर लेंगे, नमक, 1 tablespoon तंदूरी मसाला ऑरेंज एंड रेड फूड कलर और 1/2 TSP गरम मसाला। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया था, इसमें दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करके हम मैरिनेट करके रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। पैन में 2 tablespoon तेल डालेंगे, इसमें पूरे चिकन ड्रमस्टिक्स डालेंगे, जो बचा हुआ मसाला है ये भी इसके ऊपर डाल दें। वन थर्ड कप पानी डालेंगे इसके अंदर और इसे हम कवर करके पका लेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। जब चिकन का पानी रिलीज हो जाएगा तब हम इसे कवर करके फिर से हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। तेल सेपरेट होने के बाद इसे लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे, मसाला जब तक ये चिकन के साथ में अच्छी तरह से कोट ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। अब ये चिकन तैयार है, इसे हम साइड में रख लेंगे। गैस बंद करके ग्रिल पैन लेंगे, 2 tablespoon तेल डालें इसके अंदर, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। पूरे चिकन ड्रमस्टिक्स को हम पैन पे रख देंगे ग्रिलिंग इफेक्ट देने के लिए। लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। दो मिनट के बाद आपको फ्लिप करना है, इसके पहले आप फ्लिप नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद फिर से एक बार फ्लिप कर ले और चिकन तंगड़ी कबाब तैयार है। इसे आप चटनी और नींबू के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।